रांची में विगत कई दिनों से एचईसी के कर्मी और अधिकारी अपनी वेतन की मांग को लेकर एचईसी मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनके समर्थन में सीपीआई, सीपीआईएमएल, कांग्रेस और जेएमएम की ओर से राजभवन मार्च किया गया। एचईसी को बचाने के लिए संयुक्त रूप से राजभवन मार्च जिला स्कूल से निकालकर राजभवन पहुंचा। मार्च के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की गई कि एचईसी को बेचने और बंद करने की साजिश नहीं करे, सही समय पर कामगारों को वेतन दिया जाए, नहीं तो आंदोलन होगा। एचईसी को दुर्गति पर खड़ा कर दिया, एचईसी को बर्बाद करने के कगार पर खड़ा कर दिया है और एक साजिश के तहत, ताकि एचईसी बर्बाद हो, एचईसी चला जाए और उसको हम निजीकरण, निजी हाथों में बेच दें, ये साजिश केंद्र सरकार की चल रही है, जिसका नतीजा है कि आज कर्मचारियों को, वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। अब तो पदाधिकारी भी धरना पर बैठ गए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद ये हर तरह से अपने आकाओं को बड़ा बनाने के चक्कर में और साजिश तरह तरह का करके और पूरी सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है।